बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फ्लैट क्रोशिए फ्लावर का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जिसको आप मग कॉस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लावर को बनाने के लिए मैं ये दो कलर के यार्न बॉल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हमें यार्न नीडल की ज़रूरत है, सीजर की ज़रूरत है और क्रोशे हुक की। मैं 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ करूँगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपनी फिंगर्स के ऊपर यार्न को रैप करेंगे और क्रोशे हुक की मदद से स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन बनानी है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 बेस चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे सर्कल बनाने के लिए, और इस सर्कल के ऊपर अपने फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे चेन 1 बनाते हुए, और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे अपने फर्स्ट राउंड में। हमने हर राउंड में हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, तो हम काउंट करते हुए हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे 1, हाफ डबल क्रोशे 2, हाफ डबल क्रोशे 3, हाफ डबल क्रोशे 4, हाफ डबल क्रोशे 5, सॉरी हाफ डबल क्रोशे 5, हाफ डबल क्रोशे 6, हाफ डबल क्रोशे 7, हाफ डबल क्रोशे 8, हाफ डबल क्रोशे 9 एंड हाफ डबल क्रोशे 10। तो इस तरीके से हमने 10 हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं, और वेरी फर्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशे स्टिच है इसके ऊपर स्लिप स्टिच बना लेनी है अपने इस फर्स्ट राउंड को फिनिश करने के लिए। तो ये हमारा सर्कल बन गया है। अगेन हम चेन 1 बनाएंगे और हर स्टिच में इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। वेरी फर्स्ट स्टिच में बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज, उसके बाद उससे नेक्स्ट सेकंड स्टिच में इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम। अगेन थर्ड स्टिच में इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे 1 एंड हाफ डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। हमने हर स्टिच में इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में 10 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, तो हमारे इस सेकेंड राउंड में इंक्रीज़ की वजह से टोटल 20 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो हमने इसी तरीके से हर स्टिच के अंदर इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए 20 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। ये देखें, मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम अगेन वेरी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और अपने थर्ड राउंड को स्टार्ट करेंगे अगेन चेन 1 से, और वेरी फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंपल रेगुलर हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और उससे नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ डबल क्रोशे स्टिच है इसके ऊपर इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाना है, हाफ डबल क्रोशे 1 एंड हाफ डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच में रेगुलर हाफ डबल क्रोशे बनाना है, सिंपल हाफ डबल क्रोशे, और उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाना है, हाफ डबल क्रोशे 1 एंड हाफ डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंपल हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर अगेन इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे 1 एंड हाफ डबल क्रोशे 2। सो इसी तरीके से हम 1 हाफ डबल क्रोशे 2 हाफ डबल क्रोशे 1 हाफ डबल क्रोशे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए टोटल 30 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे अपने इस थर्ड राउंड में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने 30 हाफ डबल क्रोशेज बना लिए हैं। इसके बाद वेरी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और अपने फोर्थ राउंड को स्टार्ट करेंगे अगेन चेन 1 से। वेरी फर्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद थर्ड स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज्ड हाफ डबल क्रोशे बनाना है, हाफ डबल क्रोशे 1 एंड हाफ डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। हम इस राउंड में हर 2 हाफ डबल क्रोशे के बाद इंक्रीज़ बनाएंगे थर्ड स्टिच में, तो हम नेक्स्ट
टू स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बना लेते हैं, हाफ डबल क्रोशे वन एंड हाफ डबल क्रोशे टू इन द नेक्स्ट स्टिच, और उसे नेक्स्ट थर्ड स्टिच में इंक्रीज बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे वन एंड हाफ डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट टू स्टिचेस के अंदर हम सिंपल रेगुलर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे वन, हाफ डबल क्रोशे टू इन द नेक्स्ट स्टिच, अगेन उससे नेक्स्ट थर्ड स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज हाफ डबल क्रोशे बनाना है वन एंड हाफ डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। तो टोटल हमारे इस फोर्थ राउंड में 40 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगे, टू डबल क्रोशे एंड वन डबल क्रोशे इंक्रीज बनाते हुए हमने इसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए अपने इस फोर्थ राउंड को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स जी, मैंने टोटल 40 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं और स्लिप स्टिच भी बना ली है। इसके बाद फिफ्थ राउंड में हम अगेन चेन वन बना के नेक्स्ट थ्री स्टिचेस में सिंपल रेगुलर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे वन, हाफ डबल क्रोशे टू इन द नेक्स्ट स्टिच, हाफ डबल क्रोशे थ्री इन द नेक्स्ट स्टिच, और इस तरीके से थ्री हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फोर्थ हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर इंक्रीज बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे वन एंड हाफ डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। तो इसी तरीके से हमने एवरी फोर्थ स्टिच में इंक्रीज बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री स्टिचेज में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे वन, हाफ डबल क्रोशे टू एंड हाफ डबल क्रोशे थ्री, और नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ स्टिच है इसके अंदर इंक्रीज बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे वन एंड हाफ डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। तो इसी तरीके से हमने थ्री हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाते रहना है। सिंपली नेक्स्ट थ्री स्टिचेस के अंदर और थ्री हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने के बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज बनाना है, टू हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए। इस राउंड में हमारे टोटल 50 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। इसी सीक्वेंस को हमने रिपीट करते हुए 50 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स जी, मैंने 50 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप लोग इसे नेक्स्ट स्टेप में 5 हाफ डबल क्रोशे के बाद 6 में इंक्रीज बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट 6 के बाद 7 में इंक्रीज बनाएंगे, और इसी तरीके से अगर आप लोग बड़ा करना चाहते हैं इसको, जितनी भी रोज़ बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग इसी तरीके से बढ़ाते हुए बनाते रहेंगे। लेकिन मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी और अपनी पेटल्स बनाऊँगी, जिसके लिए मैं दूसरे कलर के यार्न से वेरी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनाऊँगी, और स्लिप स्टिच बनाने के बाद इन दोनों यार्न टेल को बैक साइड पर नॉट कर लूँगी अपने वर्क को सिक्योर करने के लिए। इस तरीके से हम लोग डबल नॉट बनाएंगे सिक्योर वर्क के लिए, और इन दोनों एक्स्ट्रा यार्न टेल को हमने इस तरीके से सेंटर में रखना है, और अपनी फर्स्ट पेटल को स्टार्ट करना है चेन टू से, और चेन टू बनाने के बाद सेकंड जो हमारी हाफ डबल क्रोशे स्टिच है, फर्स्ट के ऊपर हमने चेन टू बना ली हैं, तो सेकंड के अंदर हमने टू डबल क्रोशे बनाने हैं, इंक्रीज डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमने टू डबल क्रोशे इंक्रीज बनाने हैं, थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। इस तरीके से डबल क्रोशे बनाने के बाद हम अगेन चेन टू बनाएंगे, और चेन टू बनाने के बाद जैसे हमने स्टार्ट में चेन टू बनाई थी, यहाँ पे चेन टू बनाने के बाद फोर्थ जो हमारा हाफ डबल क्रोशे स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे अपने इस फर्स्ट पेटल को फिनिश करने के लिए। इसी तरीके से हमने बहुत ही सिंपल और इजी पेटल्स आगे बनाने हैं। अगेन चेन टू बनाएंगे, उससे नेक्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशे स्टिच है फाइव स्टिच, इसके अंदर हमने इंक्रीज्ड टू डबल क्रोशे बनाने हैं, डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट सिक्स हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाने हैं, डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। अगेन चेन टू बना लेनी है जैसे पेटल के स्टार्ट में बनाई है, और उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच के अंदर
स्लिप स्टिच बना लेना है। अब हम बैक साइड के नियॉन को कट कर देंगे। रिस्टार्टिंग यार्न टेल को भी कट कर देंगे। नेक्स्ट यार्न टेल को कट करने के बाद हम अगेन अपनी नेक्स्ट पेटल को स्टार्ट करेंगे चेन टू से। चेन टू बनाएंगे और उससे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर इंक्रीज टू डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। अगेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे वन एंड डबल क्रोशे टू इन द सेम स्टिच। अगेन चेन टू बनाएंगे और चेन टू बनाने के बाद उस नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारी थर्ड पैटल बन गई है फ्लावर की। अगेन चेन टू बनाना है फोर्थ पैटल के लिए और उससे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाना है और अगेन सेम स्टिच के अंदर सेकेंड डबल क्रोशे इंक्रीज बनाना है। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी टू डबल क्रोशे इंक्रीज बनाने हैं और अगेन चेन टू बना लेनी है और चेन टू बनाने के बाद उसे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बना लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी पैटर्न है और बहुत जल्दी बन जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा किस तरीके से हमने इस फ्लावर के पैटर्न्स बनाने हैं। आप लोग इसी सिक्वेंस को रिपीट करते हुए अपने तमाम पैटर्न्स को सर्कल के ऊपर कम्प्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने अपने तमाम पैटर्न्स बना लिए हैं और लास्ट पैटर्न रहता है। मैं आप लोगों को लास्ट पैटर्न बनाना बताऊँगी। अगेन हम चेन टू से पैटल को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशे स्टिच है उसके ऊपर इंक्रीज्ड टू डबल क्रोशे बनाएंगे और टू डबल क्रोशे बनाने के बाद उससे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर इंक्रीज टू डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन चेन टू बनाएंगे और उससे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर लास्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारे तमाम पैटल्स रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमने जो फर्स्ट चेन टू बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए अपने फर्स्ट और लास्ट पैटल को ज्वाइन कर लेंगे और एक्स्ट्रा यार्न टेल को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा यार्न टेल को कट करने के बाद हमने निडल की मदद से बैक साइड की स्टिचेस के अंदर से गुजार लेना है ताकि हमारा वर्क सिक्योर रहे। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से नॉट बनाती हूँ ताकि हमारा वर्क लूज ना हो। और इस तरीके से नॉट बनाने के बाद हम बैक साइड की स्टिचेस के अंदर से गुजारेंगे। इस तरीके से आप इकट्ठा भी गुजार सकते हैं और एक एक पैटल करके भी गुजार सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जब गुजार लेना है कुछ पैटल्स के अंदर से। यहाँ को मैंने 3 पैटल के अंदर से गुजारा है। उसके बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और इजी फ्लैट क्रोशे फ्लावर रेडी है। 2 कलर में आप लोग इसे किसी भी कलर कंट्रास्ट में बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ट्राई ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो इस प्रोजेक्ट के हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।